दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगी बहुत ही सुंदर नेक डिजाइन ब्लाउज की कैसे बनाएं। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वीडियो में आपको बैक नेक डिजाइन के बारे में बता रही हूँ, वो भी सेम कलर का फ्रिल डाल के। तो चलिए अभी हम कटिंग करते हैं। तो नॉर्मल हम जो शोल्डर से लेते हैं 2.5 इंच लेते हैं, लेकिन मैं इसमें 3.5 इंच ले रही हूँ, क्योंकि जो फ्रिल आएंगी वो अंदर की साइड में आएंगी और ये थोड़ा ब्रॉड भी रहेगा और ये डीप भी रखूँगी मैं, आप अपने साइज़ के अनुसार रख सकते हैं। तो देखिए मैंने शोल्डर से 3.5 इंच लिया है और इसकी लेंथ भी मैं ज़्यादा ले रही हूँ, क्योंकि मैं इसको थोड़ा डीप और ब्रॉड दोनों ही रख रही हूँ। तो मैंने ये 11 इंच लिया है, लेकिन फिर भी अंदर लेस आने से कम हो जाएगा। अगर और थोड़ा सा अगर ब्रॉड रखना है तो बाहर की साइड ले ले, और सेम रखना है तो अंदर की साइड में। और थोड़ा सा शेप देने के लिए अच्छे से ब्रॉड रख रही हूँ। सेम ड्रॉ पर कट कर लेती हूँ। और सेम ड्राफ्ट रखे मैं इसकी चौड़ाई जो लूंगी वो 1.5 इंच लूंगी और जो कैनवास लूंगी वो 1 इंच लूंगी। तो इसकी ओपनिंग बैक साइड है, तो जो क्लोज है इसको कट कर दे। सेम ड्राफ्ट रख के कैनवास कट कर लूंगी। तो देखिए जो नेक पट्टी और कैनवास मैंने कट किया था, तो कैनवास बीच में रख के और जो आधा इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था वो इस तरह से मैंने स्टिचिंग कर दिया है। जैसे आप प्लेट डालते हैं वैसे मैंने नीचे इसमें प्लेट डाल दी है। अभी हम नेक को तैयार करते हैं। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करें नीचे की तरफ से। तुरपाई कर देंगे। मैंने नेक डिजाइन डालने के लिए ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट करी थी और इसमें मैंने वन साइड में पीको कर लिया है। और अभी इसकी मैं फ्रिल बनाऊंगी और बाद में इसको ब्लाउज में अटैच करूंगी। तो फ्रिल कैसे बनानी है वो आपको बताते हैं। 1 इंच के आसपास इस तरह से ले लें अंदर की तरफ और इनको हम एकदम पास पास में प्लेट बनाएंगे, गैप नहीं देंगे। देखिए इस तरह से बनाएंगे तो क्या ये प्लेट है सेट हो जाती हैं, अगर हम इस तरह से छोटा छोटा बनाएंगे तो वो सेट नहीं हो पाती हैं। ये फ्रिल मैंने बना के तैयार कर दी है और जो ये ब्लाउज मैंने बैक साइड कट किया था वो भी शोल्डर से आगे के हिस्से से ज्वाइंट कर दिया है दोनों साइड के पीस। तो जो ये डिजाइन आएगी ये बैक साइड से लेके पूरा फ्रंट में दोनों साइड में ये डिजाइन रहेगी। अगर आप इसकी ओपनिंग फ्रंट साइड करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग लेस लगाने का फ्रंट से करें। जैसे मेरे बैक की ओपनिंग है तो मैं यहाँ से इसमें फ्रिल लगाना स्टार्ट करूँगा। तो देखिए मैं बैक साइड से लेके इस तरह से पूरे में अटैच कर दूंगी। ये फ्रंट में आएगा और फिर से बैक में आएगा और यहाँ पे आके फिर हमारे स्टॉप कर देंगे। यहाँ से स्टार्ट होगा इस पार्ट से और इस पार्ट पे हमारा स्टॉप हो जाएगा। तो इसमें इसको बाहर की साइड 1 इंच के आसपास रखना चाह रही हूँ, अगर आप चाहें तो 1.25 इंच भी आगे रख सकते हैं। तो देखिए इसको इस तरह से हम रखेंगे और पूरे नेक में स्टिच कर देंगे।
अब ये मैंने लेस ली, इसको लगाऊंगी तो इसको मैं इस तरह से लगाऊंगी, स्टार्टिंग इस तरह से करने से, और यहाँ से हम स्टिचिंग करेंगे पूरे नेक में, आगे पीछे से आगे तक। तो देखिए मैंने वन स्टिच डाल दिया, ये दोनों तरफ से मैंने स्टिच कर दिया, इधर भी और ये साइड में भी, और आगे पीछे पूरा लगा दिया। अभी मैं इसमें सेकंड लाइन भी लगा रही हूँ, तो इसको भी इसी तरह से लगा देंगे जैसे हमने ऊपर वाली लाइन लगाई है। तो इसमें थोड़ा सा मैं गैप दूंगी जिससे कि डबल कलर का लुक आ जाए, इस तरह से। सेकंड स्टिचिंग और डाल देते हैं। तो देखिए हमने लेस लगा दी है डबल कलर, और ये फ्रिल भी लगा दी है, तो कितना सुंदर हमारा डिजाइन बनकर तैयार हो गया। इस आसान तरीके से आप सुंदर से नेक डिजाइन बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।